हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स। ठीक है, तो ट्रेन के से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक एक करके हम प्रॉब्लम लेंगे जो कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रेन के कंसेप्ट से। ठीक है, तो ट्रेन की जब कंसेप्ट आए तो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में अच्छे हो तो ट्रेन की प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको स्पीड की यूनिट कन्वर्ट करनी हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, सपोज आपकी स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सपोज, अच्छा चलिए, किलोमीटर पर आवर है, यू किलोमीटर पर आवर, और इसे कन्वर्ट करनी है हमें मीटर पर सेकेंड। तो एक शॉर्टकट होता है आपको यू इंटू 5/18, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाती है। ठीक है, कैसे आता है ये भी देख लीजिए आप। देखिए क्या करते हैं, हम किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर पर आवर इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर आपको मीटर में हो जाएगी 1000 / आवर को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट, और इसे अगेन हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो आएगी वो मीटर पर सेकेंड में आएगी, जीरो कैंसिल हो गई, 2 × 3 और ये 5, तो ये हमारी आ जाती है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेकेंड। अगर मान लीजिए वी मीटर पर सेकेंड है तो इसे हम किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वी इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपको इजीली आप शॉर्टकट अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं आपका थर्ड पॉइंट। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आया, ठीक है, खड़ा है एक पर्सन और एक ट्रेन आ रही है, सपोज स्पीड है उसकी समथिंग यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितनी देर में वो पूरी ट्रेन उसे क्रॉस कर जाएगी, ये अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। अगर हमें मान लीजिए ट्रेन की लेंथ पता हो, ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ ट्रेन अगर दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू एल दी हुई है, ठीक है, और स्पीड दी हुई आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू वी। ठीक है, तो टोटल टाइम जो क्रॉस करने में उस पर्सन को लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन ठीक है, लेंथ दी हुई है टू पास द पर्सन और पोल मान लीजिए है पास द पर्सन, तो देखिए इनिशियली इंजन आएगा पहले, उसके बाद उसका लास्ट डब्बा आएगा, तो टोटल लेंथ एल हो जाएगी। अगर पूरा लास्ट डब्बा क्रॉस कर जाती है उस पर्सन को तो फिर क्रॉस कर दी ट्रेन उस पर्सन को, तो एल डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो मतलब L मीटर क्रॉस करने में जितना समय लगेगा उतना ही उसे क्रॉस करने, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता होनी चाहिए और उस ट्रेन की स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है, ठीक है, और ट्रेन आती है तो पूरी टाइम कितनी लगेगी कि ट्रेन क्रॉस कर जाए प्लेटफॉर्म। सपोज ये आपकी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इधर रेलवे लाइन है आपकी और ट्रेन इधर से आती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है बी,
प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है बी और ट्रेन जो है ट्रेन की लेंथ दी हुई है ए, तो टोटल टाइम कितनी लगेगी क्रॉस करने में? तो देखिए अगर ये ए है और ये बी है आपको, तो टाइम स्टार्ट होगा काउंट जब ए पहुंचेगी आपको, ट्रेन ए पॉइंट पर पहुंचेगी उस टाइम से, और जब ट्रेन का लास्ट पोर्शन क्रॉस कर जाए इस पोर्शन को, ठीक है, ये अगर सी है, तो अगर बी जो है सी को क्रॉस कर जाए उतना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो चलिए इसे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ ए मीटर दिए हुए, ठीक है, ए मीटर्स टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और प्लेटफॉर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई लेंथ हो, टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और उसकी लेंथ दी हुई है बी, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर है, ठीक है। इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर ए प्लस बी डिस्टेंस, कवर ए हो गई ट्रेन की लेंथ, प्लस बी हो गई प्लेटफॉर्म या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ए प्लस बी डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम इक्वल टू, अगर मान लीजिए वी दी हुई है ट्रेन की स्पीड, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, इतना ही टाइम लगेगा। चलिए इसे क्लीन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेन रिलेटेड एक प्रॉब्लम नॉर्मली आ ही जाता है, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप मान लीजिए सपोज दो ट्रेन है, ठीक है, और दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कंसेप्ट है, तो एक की स्पीड है यू मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ट्रेन की स्पीड है वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दो ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है, ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें दो केस लेते हैं, फर्स्ट केस आपको रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इफ ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ट्रेन ए इधर जा रही है और ट्रेन बी भी इधर जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है ए ट्रेन में बैठा हुआ, ठीक है, इसकी स्पीड यू है और इसकी स्पीड वी है इस ट्रेन की, ठीक है। तो अगर ए में बैठा हुआ पर्सन देखेगा ट्रेन बी की स्पीड, तो क्या देखेगा कि ए में जो बैठा हुआ वो बी के रेस्पेक्ट में कितने स्पीड से ज्यादा जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ हो जाएगी इक्वल टू यू माइनस वी, दोनों के बीच की डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों मूविंग है सेम डायरेक्शन में। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी ट्रेन यू माइनस वी से वो जल्दी मूव कर रही है। सिमिलरली रिलेटिव स्पीड इफ trains are moving in opposite direction, relative speed if trains are
moving in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस केस में क्या है, ये यू से जा रही है ट्रेन, यहां है ए, दूसरी आपकी इधर से आ रही है ट्रेन बी, लाइन अलग है, ठीक है, दोनों एक्सीडेंट नहीं होंगे। चलिए, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा क्या, ठीक है, यू प्लस बी से कवर होगा। तो अगर ए में जो बैठा हुआ उसे लगेगा बी जो है बहुत तेजी से उसकी तरफ, क्योंकि दोनों की स्पीड एड हो जाती है। इस केस में रिलेटिव स्पीड जो है दोनों की ऐड हो जाएगी आपको वेलोसिटी, तो यू प्लस वी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। सपोज मान लीजिए दोनों ट्रेन की लेंथ दी हुई है, तो ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सिक्स्थ क्या है, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ ए मीटर एंड बी मीटर, if two trains of length a meter and b meter, एक की length a meter है दूसरे की b meter है, ठीक है, are moving in opposite direction, moving in opposite direction, ठीक है, एट यू मीटर पर सेकेंड एंड वी मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड एंड वी मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो टाइम टेकन टू क्रॉस इच अदर कितना हो जाएगा, देन टाइम टेकन by trains to cross each other equal to total distance cover कितना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर इधर से आ रही है, मान लीजिए ये A की length, train first की length A है, और दूसरे side से जो आ रही है, इधर से आ रही है आपको उसकी length बी है, ए इधर से जा रही है और बी इधर से आ रही है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो अगर क्रॉस करनी है तो ऐड हो जाएगी ए प्लस बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड हो जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड यू है इसकी स्पीड बी है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, रिलेटिव स्पीड यू प्लस बी हो जाएगी और डिवाइडेड बाय यू प्लस वी, इतने समय में आपको क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, ठीक है। चलिए क्लीन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो उस केस में क्या होगा। देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट सेवंथ नंबर। देखिए मान लीजिए दो ट्रेन है, ये ट्रेन ए है और इधर जा रही है यू वेलोसिटी से, ट्रेन बी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है वी वेलोसिटी से, ठीक है। ट्रेन ए की लेंथ दी हुई है आपको ए और ट्रेन बी की लेंथ, सॉरी ट्रेन ए की ए और ट्रेन बी की बी, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यू माइनस बी, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जब मतलब कि दोनों ट्रेन चल रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको बी यहाँ है और ए जब स्टार्ट करता है उसे टेक ओवर करना, तो इस पॉइंट पे उसकी इंजन होगी, ठीक है, ए की इंजन यहाँ होगी और ए का लास्ट पॉइंट ये रहेगा, ठीक है, मान लीजिए ए और सी, ठीक है, और ट्रेन बी के इंजन यहाँ है, इसका लास्ट पोर्शन बी डी हो गया, इसकी लेंथ बी है इसकी लेंथ ए है, तो क्रॉस कब कर जाएगी, जब ट्रेन ए की सी पॉइंट जो है बी से आगे चला जाए, बी के इंजन से आगे चला जाए, ठीक है, तो क्रॉस हम मानेंगे जब ये ऐसा हो जाएगा,
सी जो है यहां आ जाएगी, मान लीजिए सी डैश हो जाती है और ए डैश हो जाती है, बट ये लेंथ तो रहेगी ए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी पड़ेगी वो ए प्लस बी है, ठीक है, तभी क्रॉस करेगी। चलिए तो इस केस में क्या होगा, हम नोट डाउन करते हैं। इफ टू ट्रेन्स, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ ए मीटर्स एंड बी मीटर्स, ए मीटर एंड बी मीटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एट यू मीटर पर सेकेंड, एट यू मीटर पर सेकेंड एंड वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मान लीजिए यू ग्रेटर देन वी है तो यू जो है आपको ट्रेन ए क्रॉस कर जाएगी ट्रेन बी को, ठीक है, एंड वी मीटर पर सेकेंड, देन द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन, बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ एड हो जाएगी दोनों ट्रेन की ए प्लस बी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यू माइनस बी, ठीक है। और अगर मीटर में आपकी लेंथ है और मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई है तो सेकेंड में आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसे क्लीन करके एक और कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक है वो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एट नंबर, ठीक है। एक ट्रेन यहां है, दूसरी ट्रेन यहां बी में है, ये टोटल है डिस्टेंस बिटवीन देम, सपोज एक्स है ए और बी, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ए इस डायरेक्शन से इधर यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और बी इधर से इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। दो ट्रेन मूव कर रही है यू और बी से, एक पॉइंट आएगा जब दोनों मीट करेंगे, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो दोनों इस पॉइंट पे आफ्टर टाइम टी, सपोज टी टाइम के बाद दोनों मीट करेंगे, तो ये आपको हो गया ए का, ए यहां से स्टार्ट करता है ए डैश और इधर से बी इधर आ गया, ठीक है, बी इधर आया ए इधर आया। अब क्या करना है, जब जहां मीट करेगा वहां से क्या ए को बी के पोजीशन पर जाना है और बी को ए के पोजीशन पर जाना है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों एक्स ही क्रॉस कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, मींस ये पोर्शन, ये पोर्शन ए कवर कर रहा है ए सेकंड में, ठीक है, ए सेकंड में ये कवर करता है, और रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाली जो पोर्शन है ये बी क्रॉस कर रहा है बी सेकंड में। तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टू ट्रेन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये बी यहां से शुरू किया और B की फाइनल पोजीशन यहाँ B डैश, A यहां से शुरू किया A डैश, ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम अलग अलग होंगे। तो A से ये पॉइंट C है, मान लीजिए C पर जो है दोनों आकर मिलते हैं, तो A C जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में A को लग रहा है टाइम, ठीक है, सपोज ये T टाइम में ट्रेवल कर रहा है, B भी सेम टाइम में ट्रेवल करेगा, ये भी T टाइम में ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलिए तो क्या होता है इसका, देखिए शॉर्टकट हम
If two trains start at the same time, from points A and B, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, A जो है A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, B B पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, towards each other, and after crossing they take A and B second. After crossing means point C पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, crossing they take A and B second. In reaching B and A respectively, means A जो है A को B reach कर पे B point पे reach करना है और B को A पे reach करना है, ठीक है, in reaching B and A respectively, then ratio of speed हमें find करनी है, ठीक है, age speed ratio B's speed is equal to under root B ratio under root A. ये concept आपको, ये trick जो है अच्छे से याद रखिए, बहुत easily problem solve होगा, ठीक है. अब देखिए कैसे आया ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है. तो देखिए आपको ट्रेन बी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और ट्रेन ए यू वेलोसिटी से, तो जितना टाइम लग रहा है ए को सी में, ठीक है. अब देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है ए और बी के लिए बराबर होगी, सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस ए और बी के लिए बराबर होगी. तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यू जो है टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो यू टी ये डिस्टेंस हो जाएगी यू टी, क्योंकि टी टाइम में ए ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड यू, तो यू टी. सिमिलरली ये बी सेकेंड में बी कवर कर रहा है इक्वल टू बी इंटू वी, ठीक है, ये डिस्टेंस की हो गई. सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपको हो गई ए और सी, दूसरी ये डिस्टेंस हो गई बी और सी, तो BC क्या हो जाएगी, ये U जो कवर कर रही है, ठीक है, U कितने देर में कवर कर रही है, U कवर कर रही है आपको A सेकेंड में, तो UA, और V कवर कर रही है T सेकेंड में, तो V इंटू T, तो दो रिलेशन हमें मिल गई, UT इक्वल टू BV वन हो गया, दूसरा है VT इक्वल टू UA, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है. आपको ये दोनों AC, ये AC के लिए है और ये वाली रिलेशन BC के लिए है, ठीक है, AC इज इक्वल टू और दूसरी है BC, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को. अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे वन को टू से, तो V by U इक्वल टू BV by UA, sorry U by V होगा, ये U by V, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 divided by 2, तो U by V equal to BV by UA, ठीक है, क्या मिलेगा यहां से हमें, U square by V square cross multiply कर देंगे equal to V by A, तो ratio मिल गई, U रेशियो भी इक्वल टू अंडर रूट बी रेशियो अंडर रूट ए, ठीक है. चलिए तो इतना कंसेप्ट काफी होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो इसे क्लीन करके हम एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है. ये प्रॉब्लम आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये वाली प्रॉब्लम देखिए आरआरबी 2009 के एग्जाम में आई हुई है, ठीक है. तो क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में,
एक 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, और 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 16 सेकेंड में, तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कैसे करेंगे, देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आपको क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे केस में क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गई, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इतनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग द प्लेटफॉर्म, पासिंग प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 160 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गई प्लस 160 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 320 मीटर। टाइम टेकन कितनी है, टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है, टी इक्वल टू 16 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कवर्ड है आपको 320 मीटर एंड टाइम टेकन है 16 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी आंसर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में देनी है तो 20 × 18/5, ठीक है, इतनी किलोमीटर पर आवर, फोर, तो ये हो गई हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए, अगर मीटर पर सेकंड में है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लीन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, वो खड़ा है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो क्या नोटिस करता है कि एक ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 21 सेकंड में, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है 84 मीटर, और दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि उस पर्सन को जो है ट्रेन क्रॉस कर रहा है सिर्फ 9 सेकंड में। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर, क्या करेंगे यहां देखिए, तो हमें ट्रेन की लेंथ पता नहीं है, तो हम ट्रेन की लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है, मीटर्स में लेते हैं एक्स मीटर। तो अब देखिए पर्सन को जब क्रॉस कर रहा है, पर्सन को क्रॉस कर रहा है कितने देर में, सिर्फ 9 सेकेंड में, और प्लेटफॉर्म को 21 सेकेंड में, ठीक है। तो लेंथ कवर्ड बाय ट्रेन, लेंथ कवर्ड बाय ट्रेन 9 सेकेंड क्या हो जाएगी, सिर्फ देखिए पर्सन की तो लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में जीरो है, तो ओनली एक्स मीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। और दूसरी केस हो जाएगी लेंथ कवर्ड बाय ट्रेन इन 21 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है इन 21 सेकेंड इक्वल टू एक्स ट्रेन की लेंथ हो गई प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो एक्स प्लस 84 मीटर, ठीक है। अब देखिए टाइम दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, हम एज्यूम करेंगे ट्रेन की स्पीड तो सेम ही होगी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो एक्स मीटर क्रॉस कर रही है 9 सेकेंड में और सेकेंड है एक्स प्लस 84 21 सेकेंड में, ठीक है। यहां से एक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगी। चलिए तो करते हैं 3, ठीक है, 7x इक्वल टू 3x प्लस 3 × 84, ठीक है, तो ये हो गई आपको 4x इक्वल टू 3 × 84, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम डिवाइड कर लेंगे,
ठीक है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 21। तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी हमारी मीटर में, देयरफॉर x इक्वल टू 63 मीटर। अब देखिए ट्रेन की लेंथ हमें पता है, टाइम गिवन है कि 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है x मीटर, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं आप, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 63 मीटर डिवाइडेड बाय 9 सेकेंड, तो ये आ गया आपका आंसर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड हो गई, बट देखिए आंसर हमें देना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपको 126/5 इक्वल टू, ये ऑलरेडी आपकी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, 25.2 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड हो जाएगी ट्रेन की और यही आंसर आप टिक करके आ जाएगी। ठीक है, अब क्लीन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, एक ट्रेन है और ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, क्रॉस करती है 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 12 सेकंड में, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है 15 सेकंड, तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है और इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं ट्रेन की लेंथ लेट, लेंथ ऑफ ट्रेन भी x मीटर। ठीक है, तो क्रॉस कर रही है 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड, क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, देखिए दोनों केस में सेम है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दी हुई है यहां देखिए। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस है हो जाएगी आपको x आपकी ट्रेन की लेंथ है प्लस ये हमारी हो गई स्पीड, स्पीड इक्वल टू x प्लस 90 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 12 सेकेंड, और सेकेंड केस में हो जाएगी x प्लस 120 मीटर, 120 आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है और x लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 15 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लें तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो मिल जाएगी हमें, चलिए 3, 4, 5 कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 450 इज इक्वल टू 4x प्लस 480, देयरफॉर x इक्वल टू 30, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन तो हमें मिल गई 30 हो गई। अब स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है आइदर आप ये रिलेशन ले लीजिए या ये रिलेशन ले लीजिए, स्पीड तो दोनों ही है, तो चलिए x प्लस 90 बाय 12 ले लेते हैं, तो 30 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 120 बाय 12 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर किलोमीटर पर आवर में हमें लिखनी है तो 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड करनी थी हमें, लेंथ और स्पीड, हेंस लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 30 मीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और मीटर सेकेंड पर सेकेंड में लिखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया हमारा। अब क्लीन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए आप लोग, ये प्रॉब्लम देखिए आपको एसबीआई पीओ के एग्जाम में 2009 में आई हुई है,
क्या बोल रहा है इसमें, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ दी हुई है, ठीक है। एक की लेंथ 240 मीटर, दूसरे की 270 मीटर, और दोनों आपको जा रहा है टुवार्ड्स ईच अदर, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑन पैरेलल लाइंस। तो दोनों की स्पीड भी दी हुई है, एक की 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 48 किलोमीटर पर आवर। तो कितने समय में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखिए पहले रिलेटिव स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 प्लस 48 किलोमीटर पर आवर में है ये, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए लेंथ ऑफ फ्लैट ट्रेन जो है मीटर में है, तो हम आंसर आपको सेकेंड में दे देंगे। चलिए इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 108 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो टोटल टाइम टेकिंग कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल टाइम टेकिंग बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, कितनी डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 240 मीटर प्लस 270 मीटर, ये तो आपको डिस्टेंस हो गई, और स्पीड है हमारी 30 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो कितनी हो गई, 270 प्लस 510 आ जाएगी, 510 बाय 30 इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड, सॉरी 17 मीटर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, 17 सेकेंड आपको टाइम हो जाएगी, 17 सेकेंड आंसर हो गए, ठीक है, ये 17 सेकेंड। चलिए क्लीन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखिए ये वाली प्रॉब्लम जो है एसएससी के एग्जाम 2010 में आई हुई है। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और पर्सन की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्रॉस कर जा रहा है उस पर्सन को ट्रेन जो है 33 सेकंड में सिर्फ, और हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या यहां पर लेंगे, ट्रेन की जो लेंथ है वही डिस्टेंस हो जाएगी, रिलेटिव टू मैन, और ट्रेन की लेंथ दी हुई है 300 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया। दूसरा हमें टाइम दिया हुआ है 33 सेकेंड, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमें मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड में 11 और ये 100, तो 100/11 मीटर पर सेकेंड, इसे किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर हमें देनी है किलोमीटर पर आवर में। तो 100/11 × क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है और ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 20 और ये आ गई हमारी 360/11 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये तो निकल गई स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन, बट हमें फाइंड करनी है ट्रेन की स्पीड, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ट्रेन और पर्सन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू एक्स, मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन है तो एक्स माइनस स्पीड ऑफ पर्सन x-3, ठीक है, यही हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। लेट
x equal to speed of train, speed of train in kilometer per hour. ठीक है, ये relative speed और ये बराबर होगी आपको जो हमने find किया distance by time से, तो 360 by 11. ठीक है, तो यहां से calculate कर लेंगे x, तो वही हो जाएगी speed. तो x equal to 3 plus 360 by 11, तो ये आ गया आपको 393 by 11 और x equal to 35 and 8 by 11 किलोमीटर पर आवर. हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितनी हो गई, 35 एंड 8 बाय 11 किलोमीटर पर आवर. यही आंसर हो गया हमारा. चलिए अब क्लीन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए. आपको ये वाली प्रॉब्लम देखिए, सेक्शन ऑफिसर्स एग्जाम 2005 में पूछी गई है. क्या बोल रहा है यहाँ, 100 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, और उसे 7.5 सेकेंड लगती है, 7.5 सेकेंड लगती है आपको क्रॉस करने में एक पर्सन को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है. ठीक है, तो टोटल टाइम दी हुई है आपको और 5 किलोमीटर स्पीड ऑफ पर्सन दी हुई है और टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है. ठीक है, तो स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, रिलेटिव टू मैन, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन. अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, तो क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगा x प्लस 5. ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. अब देखिए डिस्टेंस दी हुई है आपको मीटर में और टाइम दी हुई है क्रॉस करने में जितनी लग रही है सेकेंड में, तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये होता है x प्लस 5 इंटू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. तो 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी मीटर पर सेकेंड होगी. अब क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है, तो टोटल टाइम टेकन इज 7 1/5, तो 36/5 हो गया. देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वही ट्रेवल करनी है और स्पीड हमने x प्लस 5 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इंटू 5/18 और ये किसके बराबर हो जाएगी, 36/5. ठीक है, ये दी हुई है 7 1/5 जो दी हुई है. अब हमें क्या करनी है, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर. तो ये 500 और इधर हो जाएगी आपको 36 × 5/18 इंटू 1/5 इधर पतले से है इंटू एक्स प्लस 5, सॉरी ये 100 होगा. ठीक है, हमने 5 इधर ही रखा तो ये 100 हो जाएगा. अब देखिए 5 तो कैंसल आउट हो गया, 18 × 2 तो हमें मिल गई 2x + 10 इक्वल टू कितना हो गया, 100. 2x + 10 इक्वल टू 100. ठीक है, तो 2x = 90, इट मीन्स x = 45 और x हमने यूनिट लिया था किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, तो आंसर हमारी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में. हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर. चलिए क्लीन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए आप लोग. देखिए ये वाली प्रॉब्लम जो है एसएससी 2008 के एग्जाम में आई हुई है. क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, 100 मीटर की ट्रेन है
और ट्रेवल कर रही है एक दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस ट्रेन की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की स्पीड जो है इससे डबल है, मीन्स 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और दी हुई है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है 10 सेकेंड में, तो हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। कैसे करेंगे, तो ये रिलेटिव स्पीड पहले कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 60 है एक ट्रेन की तो दूसरे की डबल है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई आपको 180 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों आपको मीटर में दिया हुआ है और सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो 180 इंटू 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड, तो 10 ये हो गया, तो रिलेटिव स्पीड जो हमें मिला 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेकेंड ट्रेन की लेंथ x मीटर है, लेट लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन बी एक्स किलोमीटर सॉरी एक्स मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड जो है हमें पता है, टाइम गिवन है कि 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा x प्लस दूसरे ट्रेन की लेंथ 100 है डिवाइडेड बाय टाइम, अगर हम दे दें तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो 10 सेकेंड है टाइम इक्वल टू स्पीड कितनी है, हम अभी हमने कैलकुलेट किया रिलेटिव स्पीड इज 50। चलिए तो यहां से हमें मिल जाएगी x इक्वल टू 500 माइनस 100 मीटर में होगी, देयरफॉर x इक्वल टू 400। हेंस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन इज 400 मीटर, यही आंसर हो गया हमारा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए हैं जो कि ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। पूरे लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो या इस पूरे टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, हम आपके डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन